भगवान की जय। योग योगेश्वर बाप रामलाल जी, योग मार्तंड केशव भगवान, हम सभी के प्राणाधार सतगुरु देवदास महाराज के श्री चरण कमलों में हम सभी बच्चों का साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आइए गुरुदेव की कृपा करना आशीर्वाद से सत्संग आरंभ करते हैं। आज का सत्संग को हम कल के सत्संग का आगे बढ़ाते हैं। कल जो हमने सत्संग किया था महाराज जी की आशीर्वाद से कि मन का स्वरूप क्या है, मन के ऊपर गुरुदेव ने बहुत ही अनमोल वचन कहे। मन के स्वरूप के बारे में गुरुदेव की कृपा से हमें काफी कुछ ज्ञान हुआ। उस सत्संग को आगे बढ़ाते हैं। महाराज जी फरमाते हैं कि जो अहंकार को नष्ट करके सतगुरु भगवान के चरणों में आत्मसमर्पित होकर निष्काम सेवा करते हैं और जिनके हृदय में हर पल प्रभु प्रेम जागृत रहती है, ऐसे भक्त के अंदर एक ईश्वरीय आकर्षण होता है। ऐसे भक्त को सारा समाज सम्मानित करता है। ऐसे उसके प्रति सारा समाज प्रेम आदर श्रद्धा भाव रखता है और ऐसे भगत के कारण ही भगवान नर चोला ग्रहण करते हैं और उतार लेते हैं। पर्वत जंगलों को छोड़कर अतल पर आकर वास करते हैं और इन महान पुरुषों के साथ साथ भगवान अन्य जीवों का भी कल्याण करते हैं। जैसे हमारे योग योगेश्वर बाप रामलाल जी ने अवतार लिया, पुलकराज प्रभु जी के अनन्य भक्ति भाव प्रेम को देखते हुए पर्वत जंगलों को छोड़कर नगर में आए, अमृतसर नगरी में, और अमृतसर नगरी में आकर उन्होंने कुलकेश्वर भगवान को अपना स्वरूप बनाया। उसके साथ साथ अनेक अनेक भक्तों का वहां पर उद्धार किया। रामानंद रामाबाई हरिहरा जज और वे रामरती, इस प्रकार बहुत भक्तों का महाप्रभु जी ने कल्याण किया। और कुलकेश्वर भगवान ने हराजी के भक्तिभाव आत्म समर्पण को देखते हुए हराजी को अपना स्वरूप बनाया। हराजी के साथ साथ अनेक अनेक भक्तों का गुरुजी ने कल्याण किया। सारी बातों के एक ही सार है, जो जीव अहम रहित होता है वो भगवान सतगुरु को बहुत प्रिय होता है। गुरु भगवान हर पल ऐसे जीवों के अंग संग रहते हैं और वो अपनी कृपा दृष्टि से भक्तों के अंदर ज्ञान उत्पन्न करते हैं। भक्तों की अंदर की मोह माया ममता को
समाप्त करके उनके अंदर प्रेम भक्ति भर देते हैं। इसके अतिरिक्त वे भक्त को ऐसा ज्ञान देते हैं कि जो हमें जीवन में दुख कष्ट अति प्राप्त होते हैं कि हमारे अपने पिछले जन्मों के कर्म होते हैं, नहीं तो गुरु के ज्ञान के बिना जीव भगवान के प्रति कई बार अविश्वसनीय हो जाता है। कई बार जीव इतने दुख कष्टों से घिर जाते हैं, भगवान के प्रति उन्हें उनकी आस्था श्रद्धा भी कम हो जाती है, क्योंकि उनको पूर्ण गुरु प्राप्त नहीं होते। पूर्ण गुरु ही जब भक्त हृदय में ज्ञान की गंगा बहाते हैं, तब भक्त को समझ आती है मेरे जीवन में अगर सुख है पिछले जन्मों के पुण्य कर्म का फल है, दुख है मेरे अपने ही पाप कर्मों का फल है। इस प्रकार उसके अंदर एक अपने दोषों को देखने का एक आदत सी बन जाती है, और जिसे इस बात पर दृढ़ विश्वास हो जाता है कि मेरे अपने ही दोषों के कारण मुझे दुख प्राप्त है, ऐसे जीव का अहंकार नष्ट हो जाता है। वह नम्र अति नम्र बन जाता है। उसके फलस्वरूप है सद्गुरु भगवान की कृपा पात्र बन जाती है। ऐसे मनुष्य को सच्चे वीर कहलाते हैं, जो दुखमय जीवन को जीते हुए भी भगवान के प्रति आस्था विश्वास श्रद्धा में कमी नहीं आने देते। इसके विपरीत साधारण मनुष्य जीवन में कष्ट आते हैं, वहां द्वारा वे परमात्मा सतगुरु भगवान को दोषारोप करते हैं, भगवान मुझे इतना कष्ट क्यों दे रहे हैं, वो इतना सुखी है मैं इतना दुखी हूं, भगवान उसे सुख ज्यादा दे रहे हैं मुझे कम दे रहे हैं। इस प्रकार के विचारों से वे भगवान के प्रति आस्था विश्वास श्रद्धा खो बैठता है। कहते जहां श्रद्धा गई विश्वास गया आस्था भी चली जाती, फिर ऐसे मनुष्य को कुछ हासिल नहीं होता, वह भवसागर में ही गोते खाता रहता है। कष्ट किसके जीवन में नहीं आया, हमारे इतिहास को देखो, धर्म ग्रंथों को देखो, मीरा कलयुग कितनी भक्तनी, उसके जीवन में कितना कष्ट आया, परंतु उसके अंदर की श्रद्धा प्रेम विश्वास भगवान कृष्ण के प्रति रत्ती भर भी कम नहीं हुआ। हर पल अपने मनन शक्ति को बढ़ाते हुए भगवान कृष्ण की याद में ही रही। उसी प्रकार ध्रुव है प्रहलाद है इसके जीवन में कष्ट नहीं आया, सूरदास है, कबीर जी हैं, गुरु नानक देव जी हैं, हमारे तीनों गुरुओं ने जीवन में कितना कष्ट उठाया, कितना भक्तों का भुगतान लिया, परंतु हंसते मुस्कुराते रहे। महाराज जी के शरीर में इतने भुगतान देकर एक दिन मैंने बड़े विनम्र भाव से प्रार्थना करी,
और अजी आप तो संसार के कल्याण करने वाले सदगुरु भगवान है, आपको इतना कष्ट क्यों? महाराज जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि बेटा सुख के माते शील पड़े जो नाम हृदय से भुलाए, बलिहारी उस दुख नू जो पल पल नाम रटाए। कहते बेटा जब जब मेरे अंदर मेरे शरीर में भुगतान आते हैं, मैं अपने गुरु अपने भगवान अपने इष्ट को ज्यादा याद करता हूँ और उन्हीं की याद में मेरा मन समाधिस्थ हो जाता है। नहीं तो जब 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 पूरे मैं शक्ति में होता हूँ तब तक ऐसे अंदर से उत्साह इतने प्रेरणा आते कि योग के प्रचार प्रसार इस ढंग से करूं, इसका कल्याण करूं, इसका भला करूं, इसकी सेवा करूं, आश्रम बनाऊं या कैंप लगाऊं, इन्हीं कार्यों में निष्काम कार्यों में मेरा मन मेरा जीवन चलता रहता है। जब जब भुगतान आता है मुझे कोई कष्ट नहीं होता, मैं भगवान का समझकर भगवान का प्रसाद समझकर मैं बड़े आराम से उनके याद में समय बिताता हूँ। गुरुदेव के मुंह से ऐसा एक विनम्र तथा महान मधुर वाणी सुनकर मेरा दिल बड़ा गदगद हुआ। वही बात समझ में आती है, जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो सुख हो या दुख हो दोनों में सम रहते थे। एक कवि ने बहुत सुंदर पंक्ति गाई, सुख भी तेरे हैं दुख भी तेरे हैं, इसको अच्छा कहूं इसको बुरा कहूं सब कुछ तो तेरे ही है। एक और कवि ने गाया, संसार एक दरिया है सुख दुख दो किनारे, सुख को अच्छा समझू या दुख को अच्छा समझू दोनों ही तो तुम्हारे हैं। तो ऐसे पुरुषों को महाराज जी फरमाते हैं ऐसे पुरुष सच्चे वीर कहलाते हैं। और ऐसे भक्तों के कारण ही भगवान को अवतार लेना पड़ता है। कहते नहीं युग युग में अवतार ले युग हरण भगवान, भगवान अवतार क्यों लेते हैं? भक्त के कारण, गत है भगत के वश में है भगवान। युग युग में अवतार ले युग हरण भगवान, जो जिस युग में प्रकट हो वही करे कल्याण। भगवान राम ने हनुमान जी के अलावा अनेक आत्माओं का त्रेता में कल्याण किया, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों का राधा रानी का विदुर का दो का बहुत आत्माओं का कल्याण करा, उसी प्रकार हमारे महाप्रभु रामलाल जी कलिकाल में अनंत भक्तों का कल्याण किया और आज भी कर रहे हैं। आज भी हमारे इस मिशन में रामलाल गुरु जी की शक्ति चल रही है, उन्होंने शक्ति को प्रकाशित किया लखराज गुरु जी के माध्यम से, फिर प्रकाशित किया हमारे सद्गुरुदेव देवीदार प्रभु जी के माध्यम से, आज भी पूरे मिशन में उन्हीं का प्रकाश चल रहा है। हर आश्रम में जहां भी कृपा बरस रही है, लोगों का कल्याण हो रहा है, निष्काम कर्म हो रहे, योग की साधना
सिखाई जा रही है, योगाभ्यास कराया जा रहा है, ये सभी प्रभु जी की अपार कृपा करुणा और ईश्वरीय शक्तियों का प्रभाव है। तो भगवान महाराज जी फरमाते हैं, अगर भक्त ना होते तो भगवान का अवतार भी ना होता, भक्त है तो भगवान है। इसी कारण कई ज्ञानी पुरुषों ने भक्त को भगवान से भी अधिक मान दिया। ग्रंथों ने बहुत सुंदर शब्द कहे, राम से अधिक राम का दासा। और भगत प्रेम से कहते हैं कि हनुमान जी को अगर आप प्रसन्न कर लेते हो, राम जी प्रसन्न हो जाते हैं। और प्रेम से भगत हनुमान जी को क्या प्रार्थना करते हैं, हमारे राम जी से राम 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 कहियो रे हनुमान। उसी प्रकार प्रमुखराज जी जिन्होंने प्रसन्न करा, उन्होंने रामलाल प्रभु जी की कृपा को पाया, जिन्होंने देवीदार प्रभु जी को प्रसन्न किया, उन्होंने रामलाल मुलकराज दोनों गुरुओं का प्रसन्नता को पाया। तो महाराज जी फरमाते हैं कि अगर हमारे हमने अपने लोक परलोक को सुधारना है तो हमें देव के शरण में जाना होगा, क्योंकि ये मन जन्मों के संस्कारों से प्रभावित है। जन्मों के अच्छे बुरे संस्कार इस मन पर पड़ते रहते हैं, उसी से जीव कर्म करते हैं। तो अगर हमने हमने अपने अंतकरण को धोना है, अंतकरण को शुद्ध करना है, पवित्र करना है, हमें सदगुरु के जो दिव्य शक्ति के मालिक है उनके चरणों में जाना होगा। उनके चरणों में जाने पर ही हमारी मनन शक्ति बढ़ती है, और मनन शक्ति के द्वारा हम परमात्मा के चिंतन करके परमात्मा का साक्षात्कार करने में सक्षम हो जाते हैं। नहीं तो ये मायावी विषय जो होते हैं ये हमारे मनन शक्ति को कमजोर बना देती है। ध्यान योग के द्वारा और गुरुदेव के कृपा आशीर्वाद के द्वारा जीव अपनी मनन शक्ति को प्राप्त कर ध्यान योगी बन जाता है। महाराज जी एक बहुत सुंदर दृष्टांत देते हुए फरमाते हैं कि जब एक पौधा उत्पन्न होता है, हम उसे उचित खाद देते हैं, वायु देते हैं, प्रकाश देते हैं, तो वह पौधा पनपता है। यदि ये खाद पानी स्वच्छ वायु प्रकाश आदि हम सप्लाई ना करें तो वह पौधा सूख जाता है, उसमें कीड़े आदि लग जाते हैं। और वह पौधा किसी काम का नहीं रहता। यही हाल जीव का होता है। जो जीव योगी गुरु की शरण में चला जाता है, जिस जीव पर योगी गुरु की
कृपा दृष्टि पड़ जाती है वह फलता फूलता है, उसका जीवन दिव्य बनता चला जाता, नहीं तो वह अपना लोक परलोक सभी कुछ बिगाड़ बैठता है। यदि माली चतुर हो तो वह खराब बीज वाले पौधे को भी अच्छा बना देता है, अच्छे फल लगने लगते। माली चतुर ना हो अच्छे बीज वाले पौधे को भी खराब कर देता है। तो प्रकृति में प्रतिपल अणु परमाणु आपस में टकरा रहे हैं, यानी कि अच्छे बुरे विचार आपस में टकराते रहते हैं। अगर आप दुर्बल हैं तो बुरे विचार आपका विनाश कर देते हैं, अगर आप अच्छे सबल हैं गुरु के पास से आपके अंदर मनन शक्ति पैदा हो गई है तब बुरे विचार आपके अंदर का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसके विपरीत आप अच्छे विचार अपने अंदर ग्रहण करने लगते हैं और इसी अच्छे विचारों से आप आनंद अवस्था को प्राप्त करते हैं। अच्छे विचार कब आएंगे? जब आप बलशाली होंगे। ग्रंथों ने कहा न्याय आत्मा बलहीन लभ्यते, न्याय आत्मा बलहीन लभ्यते, यानी के बलहीन व्यक्ति को आत्म आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। और बलवान व्यक्ति जो गुरु के शरण में जाकर उनके ईश्वरीय शक्तियों को प्राप्त कर लेता है उसे हर पल आत्म आनंद की प्राप्ति होती है। इसके अलावा ग्रंथों ने बहुत सुंदर श्लोक गाया, वह क्या है? नास्ति माया समम पापम, अर्थात मोह ममता माया पाप का मूल है। नास्ति माया समम पापम, मोह माया ममता पाप का मूल है। नास्ति योगात परम बलम, योगी श्रेष्ठ बल है। नास्ति योगात परम बलम, नास्ति ज्ञानात परम बंधु, यानी कि आपके अंदर ज्ञान है वे आपका परम मित्र है। नास्ति ज्ञानात परम बंधु, नास्यत्य अहंकारात परम ऋतु, नास्यत्य अहंकारात परम ऋतु, अहंकार से बड़ा कोई शत्रु नहीं। ये ग्रंथों ने गाया और गुरुदेव का फरमान यही है। गुरुदेव फरमाते हैं सतगुरु शिष्य के मन में मन रूपी पौधे में बहुत सुंदर सुंदर फूल फलों के बीज बो देते हैं, यानी के शिष्य के मन रूपी पौधे के सदगुरु माली होते हैं। और जब उनकी कृपा, जब तक उनकी कृपा दृष्टि शिष्य पर पड़ी रहती है तब तक शिष्य को कोई आपत्ति
नहीं आ सकती। कहते ना जिसके ऊपर राम की कृपा हो जाए उसका कोई भार भी बांका नहीं कर सकता। सतगुरु के शरण में आने वाले शिष्य के ऊपर जब तक गुरु की कृपा दृष्टि बनी रहती है तब तक चाहे शिष्य के जीवन में कितनी आपत्तियां आए गुरु शिष्य को कष्ट महसूस नहीं होने देते। सपने में आ जाएंगे, पहले से बता देंगे शिष्य को, पहले ही जागरूक कर देंगे, बेटा खबरदार हो जा तेरे जीवन में ऐसा कष्ट आने वाला है। और उन कष्टों से गुरु शिष्य को बचा भी लेते हैं, ये गुरु करते हैं। इसीलिए गुरु के चरण चरण महान कल्याणकारी, गुरु बिना संसार में कुछ नहीं। जिनके सिर के ऊपर गुरु का हाथ नहीं वह जीव कल भी दुखी थे, आज भी दुखी है, कल भी दुखी रहेंगे। इसलिए गुरु के शरण में जाना, उनकी भक्ति करनी, उनके चरणों की सेवा करना, उनके स्वरूप का ध्यान करना, ये जीव का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। सहजो भाई इतनी महान गुरु की भक्तनी हुई, वो क्या कहती है, क्या भाव रखती है कि हरि को तजू पर गुरु ना बिसारू। हरि को तजू पर गुरु ना बिसारू, गुरु के सम नहीं हरि को निहारू। हरि ने हमें जन्म दिया, कर्म करने के लिए खुला छोड़ दिया। गुरु ने हमें कर्म बंधन से छुड़ाया। हरि ने मन को आस्था संसारिक आस्थियों में धकेल दिया, जो मन में आया कर लो, परंतु गुरु ने हमारे अंदर की मोह माया की बेड़ी को तोड़ दिया और हरि ने हमें जन्म और मरण के चक्कर में डाला, परंतु गुरु ने हमें जन्म मरण के चक्कर से मुक्त कराकर मोक्ष पद दिया। इसलिए हरि को बिसार पर गुरु ना बिसार, गुरु के सामना ही हरि को निहार। कवि ने बहुत सुंदर पंक्ति गाई, गुरु गोविंद दो कड़े। जब आप भगवान की गोविंद की पूजा करते हैं आपके पुण्य कर्म ऊपर आ जाते हैं और आपको गुरु तो भगवान अच्छे गुरु को एक शरण में ले जाते हैं। किसी न किसी कारणवश आप पूर्ण गुरु के शरण में आ जाते हैं। पूर्ण गुरु क्या करते हैं आपका, पूर्ण गुरु आपके अंदर के अज्ञानता के अंधकार को दूर करके मोह ममता को नष्ट करके आपके अंदर विराग भर के आपको भगवान से मिलाते हैं। ये तो गुरु करते हैं, भगवान के दर्शन आपको होने लगे लगते हैं, आपके सामने भगवान भी खड़े हैं, गुरु भी खड़े हैं। आप प्रथम इसको प्रणाम करोगे, गुरु को करोगे, क्योंकि गुरु तुम हो तो मैं हूं, तुम नहीं तो मैं नहीं। गुरु
तुम ना मिलते तो मेरा संसार में क्या होता, मैं संसार में होते ही खाता रहता। तभी कबीर ने कहा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाए, बोली हरे गुरु आपने हिंदियों मिलाए। गोविंद से मिलान कराने वाले केवल केवल सतगुरु। संसार में गुरु बहुत है, हर विषय के गुरु, हर क्षेत्र में गुरु, परंतु सतगुरु कोटि में एक। सतगुरु जो आपकी आत्मा का कल्याण करते हैं, आपकी आत्मा को परमात्मा से अभेद करा दे, बहुत बिरला है। ऐसे गुरु को पूर्ण सतगुरु कहा, क्योंकि पूर्ण सतगुरु हर पल परमात्मा में अभेद होते हैं, वो सर्व समर्थवान होते हैं। शिष्य को ऐसा कुछ बख्श देते हैं जो संसार में तीन लोक में कोई नहीं बख्श सकता। इसलिए शिष्य का धर्म है रोम रोम श्वास श्वास गुरुदेव का शुक्राना करे और उनके चरणों में समर्पित रहे। आइए एक बात के ऊपर विचार करते हैं। गुरु अपने शिष्यों का सुधार कैसे करते हैं तथा वे साधन क्या क्या है, इसके ऊपर थोड़ा सत्संग करते हैं। गुरु अपने शिष्यों का सुधार कैसे करते हैं और वे कौन कौन से साधन सिखाते हैं शिष्य को, इसके ऊपर विचार करते हुए गुरुदेव फरमाते हैं, मनुष्य को भगवान ने दो शक्तियां दे रखी है, आकर्षण और विकर्षण, पॉजिटिव और नेगेटिव। आकर्षण शक्ति से हम कोई भी चीज को आकर्षित कर लेते हैं और विकर्षण शक्ति से हम किसी भी चीज को त्याग देते हैं। दो शक्तियां भगवान ने मनुष्य को दी है और इन्हीं दोनों शक्तियों का कारण सृष्टि की प्रत्येक परमाणु लेन देन कर रहा है, जिसे यह विश्वास हो जाए कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं सब कुछ सतगुरु कृपा से कर रहा हूं। यानी कि जिसके अंदर कार्य करते हुए मैं अहम का अभाव हो जाए, उसी की मानसिक शक्ति समय पर उसको लाभ देती। यानी कि उसकी मानसिक शक्ति इतनी सबल हो जाती है, वह जीवन के हर घड़ी हर मुसीबतों का मुकाबला करके उसको सुरक्षित रहता है। इसके अतिरिक्त जो निरुत्साहित होकर रहता है और अपना आत्मबल वो बैठता है कि मेरे द्वारा कुछ नहीं हो सकता, मैं परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता, परमात्मा का साक्षात्कार करना असंभव है, इस प्रकार का जिसके अंदर आत्मविश्वास की कमी रहती है,
वह भक्त प्रभु का साक्षात्कार करने में समर्थ रहता और उसका भविष्य अंधकार में हो जाता है। वह विचारों में अपने आप में भूलता रहता है। इसी को आज की दुनिया बहुत एक बड़ी बीमारी का नाम देती है, क्या? डिप्रेशन। लोग आते हैं आश्रम में, इसको डिप्रेशन हो गया। यंग बच्चे आते हैं, कहते हैं माता जी मेरे बच्चे को डिप्रेशन हो गया। मेरे कह रहे भाई डिप्रेशन नाम की तो बीमारी नहीं है कोई। विचारों का संयम जब हम वो बैठते हैं तो मस्तक में दिन रात असंख्य विचार घूमने लगते हैं, उससे हमारा आत्मविश्वास घट जाता है। आत्मविश्वास के घटने से भूख चली जाती है, नींद चली जाती है, शरीर कमजोर पड़ जाता है और हम बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। ऐसे भक्त को साधक को गुरुदेव परमाते हैं, नाक में घी डालो, मेथी कराओ, जलकिरा कराओ, दूधपान कराओ और जीवन तत्व के 7 आसन और 5 प्राणायाम करा दो, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मेरे पास अभी 5 दिन पहले एक देवी आई है, वो कहती है मैं हर वक्त डिप्रेशन में रहती हूँ, मेरा मन में कोई उत्साह नहीं है किसी काम करने का, शरीर में बहुत दर्दे हैं, बहुत कमजोरी लगती है, मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, घर परिवार है, मेरा जीवन दुख से भर गया। अभी 4-5 दिन पहले आई, मैंने कहा भाई मुझे कुछ नहीं है, बता तुम्हें तेजाब बहुत बनता होगा। कहते हाँ बनता है, क्योंकि तेजाब के कारण गैस बनती है, बनती है। मैं कि बेटा वो गैस तुम्हारे दिमाग में चढ़ जाती है और वो गैस तुम्हारे दिमाग की नाड़ियों को कमजोर कर देती है, जिसके कारण तुम्हारा आत्मबल कमजोर हो गया, जिसके कारण तुम विचारों में घूमती रहती हो, हाथ से कुछ कर नहीं पाती। कहने लगी माता जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। फिर मैंने क्या कहा उसको, कल रंगदात में करवा दिया और अपनी क्लास में भी बुला लिया। मेरे क्लास में 14 घंटा आसन और प्राणायाम करने लगी। कल ब्रह्मदान कराया, आज फिर करा दिया, उसमें घी पिला दिया। कल के करने के बाद कहती है माता जी मुझे काफी कुछ अच्छा लग रहा है, आज कराया, आज कहती है माता जी मुझे आज बहुत फर्क है। मैं कह बेटे क्या फर्क है? कहते अब मुझे अंदर से कोई घबराहट नहीं, मस्तक बिल्कुल रिलैक्स्ड है, अंदर से मैं बहुत एक आनंद की अनुभूति कर रही हूँ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसका फिजिकल प्रॉब्लम के कारण उसकी पाचन शक्ति कमजोर हो गई थी, तेजाब बनता था बहुत, तेजाब से गैस बनती थी, गैस दिमाग की नाड़ियों को कमजोर कर रही थी। गुरु जी कृपा से जब उसने आसन किए, प्राणायाम किए, ब्रह्मदात्म करा तो उसका लीवर चल पड़ा, भूख लगने लगी, खाना जम होने लगा, गैस बननी बंद हो गई, तेजाब बनना बंद हो गया, दिमाग में गैस चढ़नी बंद हो गई तो उसका दिमाग नाड़ियां सुचारू रूप से कार्य करने लगी और
विचार शक्ति उसके प्रबल हो गए। विचार शक्ति के प्रबल होने पे मन में आनंद की लहरें उठती, इसी विचार शक्ति को हम जब ईश्वर के चिंतन में लगा देते हैं उसे मनन शक्ति कहते हैं। एक चीज है उसको बार बार अपने ध्यान है, भगवान के गुणानुवाद है, भगवान के सद्गुण है, उनको जब हम अपने चिंतन में लाते बार बार, इसे कहते हैं मनन करना। और मनन तभी होता है जब आपकी मनन शक्ति तीव्र हो। इस प्रकार गुरुदेव बहुत कृपा करते हैं अपने चरणों में आने वाले साधकों पर, भक्तों पर। इस दृष्टांत से हमें यही ध्यान लेना है, हमने जीवन में कभी निरुत्साहित नहीं रहना चाहिए, हमेशा उत्साहित रहे, विश्वास रखे हमें प्रभु का साक्षात्कार अवश्य होगा। कोई भी कार्य हम करेंगे सफलता अवश्य मिलेगी। और अंतरात्मा से देव के चरणों में प्रार्थना करें, हे गुरु इस कार्यों को आपने ही करना है, सफलता आपने ही बख्शना है। इस प्रकार दृढ़ विश्वास के साथ देव के चरणों में प्रार्थना करते हम जो भी कर्म करेंगे, मतलब ही नहीं कि हम उस कर्म में असफल हों। इसीलिए कहते हैं कि जब जीव के अंदर आत्मविश्वास कम हो जाता है, जीव आत्मविश्वास को बैठता है, तो माया रूपी रात्रि उसे सदा के लिए अंधकार के गड्ढे में गिरा देती है। आजकल अधिकांश लोगों के जीवन इसी प्रकार अंधकार ग्रस्त हो रहा है, क्योंकि लाइफस्टाइल पश्चात हो चुकी है, भोजन में संयम नहीं है, सात्विकता नहीं है, व्यवहार में सात्विकता नहीं है, भक्ति नहीं करना, दान योगी अभ्यास नहीं करना, योगी गुरु के शरण में नहीं जाना, इस प्रकार के लाइफस्टाइल से आजकल के अधिकांश लोग अंधकार ग्रस्त है, यानी के दुखी है। योगी सदगुरु शरण में जब जीव जाता है, वे अपनी दिव्य शक्तियों से हक के सांसारिक वासनाओं को समाप्त कर देते हैं। सदगुरु के शरण में जाने से गुरु ऐसी दैविक आनंद प्रदान करते हैं, भक्त को संसारिक विषय भोग वासना तुच्छ लगने लगती है और वह त्याग देता उनको। और गुरुदेव शरण में आने वाले ऐसे भक्ति हृदय से वासना रूपी कांटे घंटेदार वृक्ष को सदा के लिए उखाड़ कर फेंक देते हैं और उनके हृदय में विष प्रेम का कल वृक्ष लगा देते हैं। यानी के कहने का तात्पर्य यही है, जो भक्त गुरु के शरणों में जाता है उसके हृदय में संसार के विषय भागना वासना नष्ट हो जाता है, उसके जगह उसके बदले उसके हृदय में विश्व प्रेम आने लगता है, यानी कि वह हरेक को अपना समझते हुए प्रेम बांटता है। और जो जीव जो भक्त विश्व के प्रत्येक प्राणी के प्रति दया रखता है,
प्रेम रहता है उसी ने तो परमात्मा पा लिया, क्योंकि परमात्मा दया के स्वरूप है, प्रेम के स्वरूप है। परमात्मा के हम सारा संसार परमात्मा का संतान। जब हम हमारे हृदय में विष्णु के हर जीव हर प्राणी के प्रति अपनापन होना आएगी, हमारे हृदय में विश्व प्रेम जाग उठेगा। जो विश्व से प्रेम करता है वही तो भक्त है, वही परमात्मा सतगुरु का कृपा पात्र है। इतना ही कहते हुए आज के सत्संग को विराम देंगे। कल के सत्संग में हम इस बात को रखेंगे कि महाप्रभु जी ने अष्टांग योग का प्रचार प्रसार करके किस प्रकार भक्तों को अष्टांग योग के द्वारा संसार समुद्र से पार उतारा। पतंजलि ऋषि ने जब संसार में भोग भाग बहुत उच्चतर स्तर पर फैल गया था, तब पतंजलि ऋषि ने अष्टांग योग को जन्म दिया, यानी कि यम नियम आसन प्राणायाम भावना ध्यान संबंध। इन अष्टांग योग के पर हमारे पर दादा गुरुदेव योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी ने सिद्धि प्राप्त करी, हिमालय के उच्चतम शिखरों में जाकर अपने गुरु से प्राप्त करके उन्होंने गृहस्थियों को अष्टांग योग की शिक्षा दी और अष्टांग योग के द्वारा उन्हें परमात्मा से परमात्मा का साक्षात्कार कराया। यह अष्टांग योग क्या है और अष्टांग योग के द्वारा भक्तों का कल्याण कैसे हुआ, इसके ऊपर सत्संग कल रखेंगे। अभी समय हो गया है, समय का मर्यादा को देखते हुए यहीं पर सत्संग को समाप्त करते हैं। बोल सर्वदेव भगवान की जय। योग योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी, योग मार्तंड मुलकेश्वर भगवान, सत्स्वरूप निर्जल भगवान की सदा 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 ही जय।